नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल यमुना में पहली बार बोटिंग की ऐतिहासिक यात्रा पूरी की गई है। शनिवार को सिग्नेचर ब्रिज से लेकर आईटीओ के बीच 11 किलोमीटर की दूरी तक वर्क बोट का सफल संचालन किया गया। नेवी की अगुवाई में बोटिंग के संचालन का आकलन किया गया और यात्रा पूरी करने के बाद नेवी ने यमुना में बोटिंग की पुष्टि की। आपको बता दें कि ये वर्क बोट हाल ही में कोची से दिल्ली लाई गई है। तो वहीं एनजीटी के आदेश पर एलजी वीके सक्सेना के प्रयास से यमुना में बोटिंग का ट्रायल रन किया गया। हालांकि इससे पहले भी यमुना में बोटिंग के कई ट्रायल रन की योजना बनी थी, लेकिन इसके लिए जरूरी गहराई नहीं होना, यमुना में तैरती गंदगी, मलबे जैसी समस्याओं के कारण ये पूरा नहीं किया जा सका। यमुना और उसके आसपास फ्लड एरिया की सफाई करने, सिग्नेचर ब्रिज और आईटीओ बैरेज के बीच निरीक्षण के बाद एलजी ने नेवी से आधिकारिक तौर पर एक बोट की मांग की थी ताकि यमुना में बोटिंग का ट्रायल किया जा सके। अब आपको नेवी से मिली बोट के बारे में बताते हैं। उसकी लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 1.7 मीटर और 12 टन वजन है। ये बोट 35 यात्रियों की पूरी क्षमता के साथ 14 नॉट की गति से चल सकती है। शनिवार सुबह ही बोट का ट्रायल रन किया गया। आपको बता दें कि शुरू में ट्रायल रन की योजना केवल सिग्नेचर ब्रिज से बोट क्लब के बीच 3 किलोमीटर की दूरी के लिए बनाई गई थी, लेकिन जब ट्रायल रन हुआ तो आगे की परिस्थितियों को बेहतर पाई गई और इसका फायदा उठाते हुए बोट को आईटीओ बैरेज तक ले जाने का फैसला किया गया। नाव को आईटीओ बैरेज पर इसके लिए बनाई गई एक विशेष जेटी पर खड़ा कर दिया गया। यहाँ से इसके परिचालन जारी रखा जाएगा। तो देखिए, हाल ही में किया गया ये ट्रायल अब पास हो चुका है और ऐसे में दिल्ली में अब भी बोट चलेगी और इस सुविधा से दिल्ली वालों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट तो बढ़ ही गया, साथ ही ये पहली बार हो रहा है कि यमुना नदी में बोटिंग की जाएगी। खैर, अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक जो है इस ट्रायल के पूरे होने के बाद, जो कि पूरा हो चुका है, उसके पूरा होने के बाद जो है कब तक जो है यमुना नदी में बोटिंग का जो है स्टार्ट हो जाएगा, जिससे दिल्ली वालों को एक टूरिस्ट प्लेस तो मिलेगी ही, साथ में घूमने फिरने की जगह दिल्ली वालों के लिए बन जाएगी। इसके अलावा जो भी सिग्नेचर ब्रिज घूमने जाते हैं, अभी भी दिल्लीवासी जो है कई सिग्नेचर ब्रिज घूमने जाते हैं, उनके लिए एक और स्पॉट ऐड हो गया है। अगर वो सिग्नेचर ब्रिज घूमने जा रहे हैं तो वो वहां पर बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो अब आपको ये खबर कैसी लगी हमारे साथ, इसको लेकर जो भी आपकी राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसके साथ ही दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए तेज तर्रार चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।